ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इंसानों के अगर कोई दिल से सच्चे दोस्त बन सकते हैं तो वो जानवर ही बन सकते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में दोस्तों कई प्रजातियों के बेहद ही प्यारे और बेहद ही ज़्यादा क्यूट से आपको जानवर देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ना सिर्फ डॉग, कैट या फिर खरगोश का ही नाम आता है, लेकिन इसके अलावा भी पूरी दुनिया में लोगों द्वारा ऐसे ऐसे कमाल के जानवर पाले जाते हैं जो बेहद ही ज़्यादा प्यारे भी होते हैं और बेहद ही ज़्यादा अच्छे दिल के भी। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सात सबसे ज़्यादा क्यूट और सबसे ज़्यादा कमाल के विदेशी जानवरों के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें आप हर हाल में अपना पेट बनाना चाहोगे। इनकी क्यूटनेस यार इतनी ज़्यादा कमाल की है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि टेक प्रो की तरफ से ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास होने वाली है। नंबर एक पर नाम आता है बेबी वॉम्बैट। ये बेहद ही क्यूट और प्यारा सा लगने वाला जानवर, जो कि दोस्तों बेहद ही सुंदर भी लगता है, ये ऑस्ट्रेलिया देश में काफ़ी भारी मात्रा में पाया जाता है और बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में इसे पेट बनाकर घर में साथ रखना भी पसंद करते हैं। हालांकि बेहद ही दुख की बात ये है कि आज के दिन इनकी प्रजाति दुनिया के हर जगह आपको कम होती हुई नज़र आएगी। ऑस्ट्रेलिया में भी ये काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि बहुत सारी फैमिली सब ऑस्ट्रेलिया में इन्हें पालना काफ़ी पसंद करने लगी हैं। ये लगभग 1 मीटर लंबे और इनका वजन 20 से 35 किलोग्राम तक का होता है। बहुत सारे देशों में तो दोस्तों गवर्नमेंट आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी इसे अपने घर में साथ रखने का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ये कमाल का लॉ है कि इसे आप घर में रख सकते हो, क्योंकि ये इतना ज़्यादा प्यारा है और इसे इंसानों के बीच रहना काफ़ी पसंद भी है। नंबर दो पर नाम आता है बेबी तमंडुआ। ये बेहद ही क्यूट सा जानवर सेंट्रल और साउथ अमेरिका के ज़्यादातर जंगलों में आपको देखने को मिलेगा। बेहद ही कमाल के इस जानवर को दोस्तों इंसानों का साथ काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है और इंसानों के साथ इसे खेलना काफ़ी पसंद आता है। आपको बता देंगे दोस्तों, इनके पास कोई भी दांत नहीं होते और अपने मुंह से ये इतना ज़्यादा ज़ोर से खाने को चबाते हैं, जिसके चलते खाना आसानी से ये तोड़कर खा भी पाते हैं। दांत ना होने के चलते ये इंसानों पर हमला कर दें इसके चांस भी आपको पता ही है बिल्कुल ना के बराबर हैं। यही वजह है कि इंसान इन पर आसानी से भरोसा करते हैं और इन्हें घर में रखना, घर में पालना काफ़ी पसंद करते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, इस जानवर के बेहद ही छोटे से क्यूट से मुंह में 16 इंच की लंबी जीभ होती है। हालांकि सच बात ये भी है कि इन्हें पालना इतना भी आसान नहीं होता। इनको पालने के लिए आपको थोड़ी जेब तो ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्हें शौक है नमकीन खानों का और काफ़ी बार नमकीन खाने इनके आपको काफ़ी महंगे पड़ सकते हैं। नंबर तीन पर नाम आता है बेबी टाइगर। अब आप सब सोचेंगे कि यार टाइगर को पालतू बनाने का रिस्क भला कौन बेवकूफ़ उठाए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स में बेबी टाइगर की गिनती जंगल में रहने वाले बेबी टाइगर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, यानी अब लोग इन्हें पालना काफ़ी पसंद करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी दोस्तों बेबी टाइगर को पालना काफ़ी पसंद करते हैं। हालांकि बेबी टाइगर को पालना भी दोस्तों बिल्कुल आसान काम नहीं है, क्योंकि इन्हें अच्छे से ट्रेन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, साथ ही इनके खान पान का भी अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो अग्रेशन के चलते ये आपके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन इस बात में भी कोई दोहराई ही नहीं है कि बेबी टाइगर बेहद ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं और इन्हें देखते ही कोई भी ये भूल सकता है कि ये कितने ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं बड़े होने के बाद। हालांकि अगर हम इन्हें बहुत अच्छे से पाले तो ये बहुत बड़े होने के बाद भी वफादारी के साथ हमारे साथ दोस्ती निभाते हैं और कभी भी हमारे ऊपर अटैक नहीं करते। नंबर चार पर नाम आता है हॉर्नडर्न वाइट पैट। देखने से ही दोस्तों ये सबसे ज़्यादा क्यूट और सबसे ज़्यादा प्यारा पैट लगता है। यही वजह है दुनिया में बहुत सारे लोग इसको अपना पैट बना चुके हैं। ये वाइट रंग का चमगादड़ दुनिया के बाकी सभी चमगादड़ों के मुकाबले दोस्तों बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल यूनिक है, और इसको देखने पर ना ही तो आपको गंदगी की फीलिंग आएगी और ना ही दोस्तों आपको बिल्कुल डर लगेगा। ये रुई की बिल्कुल सॉफ्ट सी छोटी बॉल की तरह लगते हैं और जिनको देखते ही आपको लगता है कि क्यों ना मैं इन्हें पास जाकर छूऊं, और दोस्तों ये बेहद ही ज़्यादा सॉफ्ट भी होते हैं। इनका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और इतने ज़्यादा छोटे होने के चलते ही दोस्तों ये किसी पर अटैक कर दें इसका तो कोई खतरा ही नहीं है। यही वजह है कि इंसान बड़ी ही आसानी से इनके ऊपर भरोसा करते हैं और इन्हें पालते हैं। इनकी फेवरेट प्लेस है हेलिकोनिया पेड़ के पत्तियाँ। इस पेड़ की पत्तियों के नीचे रहना इन्हें बेहद ही ज़्यादा पसंद होता है और एक ही पत्ती के नीचे 10 से 15 चमगादड़ बड़े ही आराम से एक ही समय पर रह सकते हैं।
नंबर पांच पर नाम आता है बेबी फेनिक्स फॉक्स। फेनिक्स फॉक्स मेनली सहारा डेजर्ट और अरेबियन डेजर्ट में ही आपको देखने को मिलेगी और ये इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है कि कोई भी जट से इसे पालने के लिए रेडी हो जाए। ये क्यूट होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी होते हैं, जिसके चलते इन्हें दबाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा और काफ़ी अच्छा लगता है। फॉक्स की दोस्तों प्रजातियों में ये सबसे ज़्यादा छोटी प्रजाति है। इनकी उम्र दोस्तों बिल्कुल डॉग की जितनी होती है। जैसे एक डॉग की उम्र 14 साल तक होती है, वैसे ही ये भी 14 साल तक जिंदा रह सकते हैं और 14 साल तक दोस्तों अपने मालिक के साथ ये पूरी मस्ती कर सकते हैं, वो भी उसका दोस्त बनकर। फेनिक्स फॉक्स को दौड़ना बेहद ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसके चलते बड़ा रूम अगर इनको मिल जाए तब तो ये वहाँ दौड़ते रहते हैं और पूरा मज़ा करते हैं। इनकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है इनकी बड़ी बड़ी मोटी आँखों के चलते। नंबर छः पर नाम आता है एक्सोलिटल का। ज़्यादातर लोग इसे मैक्सिकन एक्सोटल के नाम से जानते और पहचानते हैं और दोस्तों नाम तो इसका यूनिक है ही, लेकिन देखने में भी ये सही में बेहद ही अलग सा लगता है और बेहद प्यारा भी। ये मैक्सिको देश में आपको देखने को मिलेगा। पानी के अलावा दोस्तों ये ज़मीन पर भी बड़ी ही आराम से आपको देखने को मिल सकता है और जब ये ज़मीन पर होता है तब तो इसकी खूबसूरती और इसकी क्यूटनेस सही में कमाल होती है और जिसको जानवरों से बेहद प्यार होता है वो तो उसी समय इसे पालने के लिए रेडी हो जाए। अपने सभी अंगों के ख़त्म होने के बाद भी ये बड़ी ही आराम से दोस्तों अपने सभी अंगों को दोबारा से बना सकता है और ये इसकी एक बेहद ही ज़्यादा असाधारण लेवल की पावर है, जहाँ फिर इसको आप कुदरत का करिश्मा ही कह सकते हैं। इसके अलावा इनके सफ़ेद कलर के चलते ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। यही वजह है कि आज के दिन बहुत सारी लड़की और बहुत सारी यंग लड़कियाँ इन्हें पालना काफ़ी पसंद करती हैं। हालांकि इसको पालने के लिए आपको थोड़ी भी चूक नहीं करनी, वरना इस बेचारे की जान भी जा सकती है और साथ ही आपको वाटर टैंक का अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। नंबर सात, पाइथन। इसका तो नाम सुनकर ही मैं जानता हूँ आप में से ज़्यादातर लोग पूरी तरह से पसीने छोड़ चुके होंगे, लेकिन दोस्तों दुनिया में बहुत सारे आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो पाइथन को पेट बनाकर पालना काफ़ी पसंद करते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आपको ऐसा करते हुए नजर आएंगे। एक आम इंसान तो सांपों से बेहद ही ज़्यादा डरता है और डरना भी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का जुनून इस लेवल का होता है कि उन्हें सांपों को पालने का बेहद जुनून होता है और वो अजगर जैसे बड़े बड़े सांपों को पालना बेहद पसंद करती हैं। अजगर की कुछ प्रजातियां तो दोस्तों ऐसी हैं जिनमें जहर काफ़ी कम होता है, लेकिन खूबसूरती बेहद ही ज़्यादा होती है और इनके जहर पूरी तरह से निकाल कर बहुत सारे लोग इन्हें पालना भी पसंद करते हैं। बॉल पाइथन को दोस्तों पालने के लिए बेहद ही ज़्यादा सुंदर अजगर माना जाता है। आप तो जानते हैं कि पाइथन को गर्मी की कितनी ज़रूरत होती है, यही वजह है कि आपको अगर पाइथन को अपने घर में पालना है तो गर्म पिंजरे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हालांकि दुनिया के अब काफ़ी सारे देशों में पाइथन को पालने पर पूरी तरह से बैन लग चुका है, लेकिन बहुत सारे देशों के लोग आज भी इसे पालना पसंद करते हैं और वो बिना किसी परेशानी के इसे पालते भी हैं। तो आप दोस्तों मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना इनमें से आप कौन से प्यारे से क्यूट से पेट को पालना चाहोगे, कमेंट में राय दीजिए। और ऐसी वीडियो टेक प्रो की तरफ से आपके लिए हर रोज़ आनी है तो चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए।